Degree College Baramulla has a unique credit to be among the first institutions of the state of Jammu and Kashmir to start fisheries education in the form of establishment of Department of Industrial Fish and Fisheries in 1996 under the authority of University of Kashmir. Dr. Rumaisa Gul is heading the department, who has expertise in subject. The fisheries curriculum is designed well enough to train and educate the students with the basics of fisheries and aquaculture at undergraduate level. Faculty members in the program have research interests in phenotypic and hematological studies of fish, multiple species fisheries management, reproductive biology of various fishes, and marine sanctuaries, among many others. Varieties of fish are present in the aquarium of the department, like Carassius auratus, which is also known as goldfish, Carassius carassius, also known as koi carp, Punteus tetrazuna, also known as tiger. मैंने इसीलिए ये प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे वोकेशनल, ये एक वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसमें हमें फ़िश अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ़िश फॉर्म फ़िश स्टार्ट कर सकते हैं, अपना फ़िश बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फ़िश प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम फ़िश प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अलग अलग रेस्टोरेंट्स में बेच सकते हैं. रही बात यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल्स कराते हैं रिलेटेड टू आवर सिलेबस, जैसे कि हमें फिश बायोलॉजी कराते हैं प्रैक्टिकल्स में. उसमें हमें पता चलता है कि फ़िश को कैसे डाइसेक्शन करना पड़ता है. फिर हमें बोलते हैं फ़िश प्रोसेसिंग, उसमें हमें दिखाते हैं कि फ़िश को क्या फीड करना चाहिए और क्या नहीं. फिर हमें और प्रैक्टिकल्स में हमें फ़िश प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं. उसमें हम फ़िश बॉल्स बनाते हैं, फ़िश कटलेट्स, जो भी वैरायटी फ़िश से बनती है वो हम बनाते हैं. फ़िश बिरयानी भी बन सकती है. और हाल ही में हमने वर्कशॉप हमारा था यहाँ पे जिसमें हमें फ़िश एक्वेरियम बनाना सिखाया था. एक्वेरियम में हमें ये दिखाया गया कि फ़िश को कैसे उसमें मेजर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फैब्रिकेशन कैसी होती है उसमें, और कैसे उसको रख सकते हैं, कितना फीड देना होता है, कितना पानी रखना होता है, कैसे क्या करना होता है. यहाँ पे हमें सब कुछ सिखाते हैं. अगर मैं IFF की बात करूँ तो यहाँ पर हमें जो एक फुल फ्लेज लेबोरेटरी जो है यहाँ पे, और उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं और उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं IFF में, जो अगर हम आगे जाकर इसमें कुछ करना चाहें. रिसेंटली यहाँ पर एक वर्कशॉप भी हुआ था हमें, जो हमारा एक प्रैक्टिकल भी है और उसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला. वर्कशॉप हुआ था फैब्रिकेशन ऑफ एक्वेरियम को हम कैसे बनाएं फॉर घर के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल्स के लिए. तो अपने लेवल पे हम एक छोटा सा एक्वेरियम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमारा एक वर्कशॉप हुआ था कि इसमें हम कितना बड़ा एक्वेरियम बनाएंगे और कितना उसमें हम पानी डालेंगे, और उसी हिसाब से हम फिर एक्वेरियम का भी साइज़ देखते हैं, मतलब गिलास की कितनी थिकनेस होनी चाहिए इन मिलीमीटर्स, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए. यही सब उन्होंने हमें सिखाया था. और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, जैसा मैंने कहा, जैसे ग्लू गन होना चाहिए फॉर फिक्सिंग. जब हम बनाएंगे एक ढांचा, हम जैसे कह सकते हैं उसको, जब हम बनाएंगे हम, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ग्लू गन होना चाहिए, और जो मोस्टली सिलिकॉन का होता है, जो हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं, वो एज ए एडहेसिव एक्ट करता है, उसी के लिए वो यहाँ पर आए थे. और वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज. द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन JDC बारामूला इन द ईयर 1996. दिस कॉलेज इज द फर्स्ट कॉलेज इन J&K वैली वेयर द फिशरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज वोकेशनल कोर्स. Capacity of this department is 40, and at present we are having 101 students. The department is having a well-equipped lab and an interactive classroom. At present there are 2 faculty members, myself, Dr. Rumaisa Gul, head associate and associate professor of the department, and Dr. Ajmer Singh Sodhi, working as an assistant professor. Objective of the course
of industrial fish and fishery include to make the students familiar with different aspects of fisheries, that includes the aquaculture, capture fish, ornamental fisheries, fish processing, etc. Also, to ensure the student knowledge about the recent trends in fisheries, to create awareness among the students towards the potential of fisheries in various aspects to generate income. The department is provided with aquarium section and an aquarium pool, ornamental fish pool. In our aquarium section, we have nearly 6 to 7 aquariums with different ornamental fishes like your moly, goldfish, carassius aureatus is there. Department of Industry and Fish and Fisheries organized 1-day workshop on 9th of August 2021 on construction, fabrication and maintenance of aquarium, so as to promote keeping of these aquariums in every household and in business establishments. Practicals include aquaculture related practicals, ornamental fish related practicals, and also the fish processing related practicals. We teach students how to construct and fabricate aquariums themselves, so that they can keep these aquariums in their houses, and even they can earn their livelihood by constructing, fabricating these aquariums